दोस्तों यहाँ एक साथ एक फिल्म में ऋतिक और सलमान हमें एक साथ दिख जाए तो ये रहेगा काफी कमाल का, क्योंकि जैसे कि इससे पहले ऋतिक सलमान हमें एक साथ एक फिल्म में तो नहीं दिखे हैं। ऐसे में दोस्तों जैसे कि यहाँ वार 2 को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा खबरें बन रही है, और जैसे कि यहाँ पर तो वार 2 को लेकर यहाँ पर फिल्म के स्टारों के नाम भी सुनने को मिल गए, यानी कि जहाँ पठान से शाहरुख और दीपिका के यहाँ पर वार 2 में आने की खबरें है, और वहीं दूसरी तरफ टाइगर 3 से यहाँ पर सलमान और कटरीना कैफ के वार 2 में आने की खबरें है, और यहाँ उनके साथ ही ऋतिक। इसमें दोस्तों जैसे कि उम्मीद तो काफ़ी कम है कि यहाँ एक साथ एक फिल्म में ऋतिक सलमान और शाहरुख हमें एक साथ दिख जाए, और वहीं जैसे कि इसके साथ ही वार 2 की स्टार कास्ट तो रहेगी ही। इसमें दोस्तों देखा जाए तो यहाँ वार 2 की स्टार कास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, और इसमें जो एक तरफ बॉलीवुड में तो हमें 2 स्टार वाली एक्शन फिल्म देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें इतने सारे स्टारों के साथ यहाँ पर एक एक्शन फिल्म ये फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जैसे कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि फिलहाल तो वार 2 को आने में लंबा वक्त है, क्योंकि जैसे कि ऋतिक इससे पहले काफ़ी सारी फिल्में करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि यदि शाहरुख सलमान यहाँ पर वार 2 में आ जाते हैं तो ऋतिक के साथ इन दोनों स्टार को देखना कमाल रहेगा, खासकर जैसे कि सलमान और ऋतिक को एक साथ देखना। और समझते हो क्या आप भी ऋतिक और सलमान को यहाँ पर एक साथ एक फिल्म में एक्शन करते देखना चाहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।